आज हमारा ये भीख मांग कर हम आरपीएससी से ये कहते हैं कि हमारी भर्ती को पूरा कीजिए। हमारी जो दिन आज 4-5 साल हो गए भर्ती को, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। हम आर्थिक रूप से दिन दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 के बेरोजगार अभ्यर्थियों ने आरपीएससी के बाहर मांगी भीख। रिसफल व प्रतीक्षा सूची जारी करवाने की मांग को लेकर 31 दिन से धरना व 4 दिन से जारी है आमरण अनशन। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 के सभी विषय के रिसफल और प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग को लेकर विभिन्न जिलों से आए अभ्यर्थियों ने जहां बुधवार को आरपीएससी के बाहर अर्धनग्न प्रदर्शन कर विरोध प्रदर्शित किया, तो वहीं गुरुवार को आरपीएससी के बाहर झाड़ू लगाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया, तो शुक्रवार को भीख मांगकर आरपीएससी तक अपनी मांग पहुंचाने का प्रयत्न किया। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने बताया कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 के सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न विषयों की 6 संयुक्त अपील पर आदेश होने के बाद केवल सामाजिक विज्ञान के रिसफल रिजल्ट वालों का चयन कर जनवरी 2021 में नियुक्ति दे दी गई। अन्य विषयों के रिसफल रिजल्ट जारी नहीं किए गए। सामाजिक और संस्कृत विषय का हाईकोर्ट से भी रिसफल रिजल्ट और वेटिंग जारी करने के आदेश हो चुके, लेकिन आरपीएससी द्वारा अभी तक जारी नहीं किए जा रहे। 26 अप्रैल 2018 को जारी डीओपी सर्कुलर के अनुसार नई भर्ती आने पर पुरानी भर्ती की वेटिंग की खाली सीट नई भर्ती में जोड़ने से संबंध रखता है, अतः रिसफल रिजल्ट को रोकना अन्याय है। राजस्थान सरकार द्वारा 2 नवंबर 2021 को वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 के रिक्त पदों पर वेटिंग जारी करने के आदेश दे दिए गए, बावजूद इसके अभी तक आरपीएससी ने आदेश जारी नहीं किए। अभ्यर्थी पिछले 3 साल से आरपीएससी के चक्कर लगा कर थक चुके अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेने तक आमरण अनशन जारी रहेगा। इस मौके पर बेरोजगार अभ्यर्थियों ने आरपीएससी के बाहर भीख मांगकर आरपीएससी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भीषण गर्मी में आरपीएससी के बाहर पिछले 31 दिन से धरना और 4 दिन से आमरण अनशन कर रहे अभ्यर्थी नरेंद्र कुमार मीणा, जो दिव्यांग भी हैं, उनकी दिनों दिन तबीयत नासाज होती जा रही है, लेकिन अभी तक आरपीएससी की ओर से ना तो उनका मेडिकल कराया गया और ना ही उनकी कोई सुध ली गई है। उनके साथ कभी भी कोई हादसा हो सकता है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 को लेकर हम 31 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं और 4 दिन से हमारा अनशन चल रहा है। और पहले दिन हमने अर्धनग्न प्रदर्शन किया था और फिर एक दिन हमने झाड़ू का प्रदर्शन किया था। आज हमारा ये भीख मांग कर हम आरपीएससी से ये कहते हैं कि हमारी भर्ती को पूरा कीजिए। हमारी जो दिन आज 4-5 साल हो गए भर्ती को, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। हम आर्थिक रूप से दिन दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं, इसलिए हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आरपीएससी जल्दी से जल्दी हमारी भर्ती को पूरा करे। और कोर्ट के आदेश के बावजूद, सीएम के आदेश के बावजूद भी आरपीएससी काम नहीं कर रही है। आपकी क्या मांगे हैं? वैसे मुख्य मांगे क्या है आपकी? मुख्य मांगे हमारी यही है कि हमारी पिकअप लिस्ट रिसफल और रिजल्ट जारी कर पिकअप लिस्ट निकाल कर हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दें। आज किस तरीके का प्रदर्शन किया है? आज हमने भीख मांग कर प्रदर्शन किया है। अनशन भी बैठे हैं कोई? अनशन पर 4 दिन से अनशन पर बैठे हैं और उनकी हालत भी दिन दिन नाजुक होती जा रही है। और न तो आरपीएससी से कोई आया है, ना अंदर से कोई हमें बुलाया गया है, ना कोई मेडिकल टीम आई है आज अभी तक। अगर उनके स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या होती है तो उसकी जिम्मेवार आरपीएससी और सरकार होगी।